दैट इज क्वेश्चन 15. ए बैग कंटेन्स 10 व्हाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स. टू बॉल्स आर ड्रॉन वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट. एक बैग के अंदर 10 व्हाइट और 15 ब्लैक बॉल्स हैं. 15 ब्लैक यानी टोटल कितनी है? 25 हैं. और वो कह रहा है कि इसमें से दो बॉल निकाली गई हैं वन बाई वन विदाउट रिप्लेसमेंट. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल. अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि एक व्हाइट हो और एक ब्लैक हो. तो जरा समझे. लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग वन व्हाइट एंड वन ब्लैक बॉल. हमें एक व्हाइट और एक ब्लैक बॉल मिले तो पी ए हमें किस तरीके से मिल सकता है? जरा समझें. हमें पी ए, चलो इसको मैं दो इवेंट और मानने पड़ेंगे. हमें ए तो हमने इसके लिए मान लिया, या फिर इसको कुछ और नाम दो, लेट इज ई. ठीक है. और ए इवेंट मानो आप किसके लिए? व्हाइट बॉल आने के लिए. और बी इवेंट मानो आप किसके लिए? ब्लैक बॉल आने के लिए. क्लियर हो रही है बात? अब पीई की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे हो सकती है? वो ऐसे हो सकती है कि पहली व्हाइट आ जाए, पहली व्हाइट आ जाए, दूसरी ब्लैक आ जाए. दूसरी ब्लैक कब? जब पहली व्हाइट आ चुकी है. क्योंकि यहां फर्क पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है ना. पहली क्या आ गई? व्हाइट आ गई. दूसरी ब्लैक जब पहली व्हाइट है. प्लस ऐसा हो सकता है कि पहली ब्लैक आ जाए, दूसरी व्हाइट आ जाए जब पहली क्या आ चुकी है? ब्लैक आ चुकी है. समझ में आई ये बात? पहली व्हाइट, दूसरी ब्लैक जब पहली व्हाइट आ चुकी है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. पहली ब्लैक, दूसरी व्हाइट जब पहली ब्लैक आ चुकी है. अब पहली व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सिंपली 10/25. एक व्हाइट निकल गई यहां से. व्हाइट हो गई 9 और टोटल हो गई 24. अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ब्लैक है हमारी 15 और टोटल है कितनी? 24. प्लस पहली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 15/25. और दूसरी व्हाइट की जब पहली ब्लैक आ चुकी है, यानी एक यहां से चली गई, टोटल हो गई 24. अब व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आएगी 10/24. एलसीएम आ गया 25 × 24. यहाँ पे आ गया 150 + 150, यानी ये आ गया आपका 300/25 × 24. तो यहाँ पर 25 से वन टाइम, 12 टू टाइम, यानी कि 1/2. तो एक रेड और एक ब्लैक बॉल, सॉरी एक वाइट और एक ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी 1/2. क्लियर हुआ है क्वेश्चन?